How to hide social media apps on iPhone, especially Instagram, WhatsApp and Snapchat. Welcome back to new video. I hope आप सभी बढ़िया होंगे. चलो कैसे आप हाइड कर सकते हैं सोशल मीडिया ऐप्स को अपने आईफोन्स में. तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स में. आपको पता है कि सेटिंग्स में एप्लीकेशंस को हाइड करने के लेकर कोई एक ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि दबे गए. यदि आप जानना चाहते हैं iOS 17.5 का स्टेबल अपडेट, तो मैंने जैसा कि आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि ये अपडेट आपको लास्ट के देश में ही देखने को मिलेगा इस मंथ के, तो ये जो है आज या कल में तो शायद नहीं देखने को मिल रहा है. बट अभी जो है मेरे को उम्मीद है कि ये जो है ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बीटास एंड डेवलपर अपडेट्स इसके आ चुके हैं. अब ये मई के मंथ में शिफ्ट हो सकता है, यानी कि अगले महीने में 1 या 2 तारीख को, या तो फिर आपको 30 अप्रैल तक कुछ ना कुछ इसके ऊपर अपडेट मिल ही जाएगी. बाकी देखते हैं, ठीक है. तो अभी आपको क्या करना है, अपने आईफोन के ऐप स्टोर पे जाओ. एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आप कहोगे ऐप को क्यों डाउनलोड करें, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बहुत ही इजी सा तरीका बता रहा हूँ. यहाँ पे आपको सर्च करना है कैप मास्टर. जी हाँ दोस्तों, आप सभी इस तरीके से लिखें, और जैसे आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कैप मास्टर योर स्क्रीन टाइम, तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बेटर एप्लीकेशन है. 4.6 की रेटिंग है और ये कोई पेड वीडियो नहीं है. जस्ट मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ यूज़ करने का, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीन टाइम लगाकर आप हाइड कर सकते थे, बट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिलती है जिसमें आपको किसी को नहीं पता लगेगा कि अपनी सोशल मीडिया ऐप्स को हाइड किया है विद द हेल्पिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन. अब आप इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आता है. कंटिन्यू कर दें. कंटिन्यू करने के बाद अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, डोंट अलाउ मत कर देना. और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, फेस आईडी से भी कर सकते हैं, डोंट अलाउ भी कर सकते हैं. तो फेस आईडी से कर दें अलाउ. जैसे आप फेस आईडी सेट करेंगे, अब आपको क्या करना है, डन के बटन पर क्लिक करना है. अभी आपको यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाती है. सिंपली आपको यहाँ पे ऐप ग्रुप देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ऐप ग्रुप पे क्लिक करना है. यहाँ से आपको क्या करना है, चूज़ ऐप पे क्लिक करना है. अब आपको यहाँ पे सोशल मीडिया को सिलेक्ट करना है. देखते हैं यहाँ पे गेम्स और क्रिएटिव एजुकेशन सभी एप्लीकेशन मिल जाती है कैटेगरीज वाइज, तो आप सोशल सेलेक्ट करेंगे. अब यहाँ से आप सोशल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं जितनी भी आपकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूड इंस्टाग्राम, मैसेज, स्नैपचैट, व्हाट्सअप या फिर फेसबुक सभी. तो यहाँ से आप एक एक करके उनको सेलेक्ट कर लें. जैसे कि मैं यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस को हाइड करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड व्हाट्सअप. अब आप डन कर देंगे. यहाँ से सिलेक्टेड हो चुकी है, डन कर दें. डन करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलती है, और यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, माई ऐप्स कर दें, जो भी है. ज़रूरी नहीं, आप कर सकते हैं चेंज, ठीक है. ऑलराइट, ओके कर दें. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डन का बटन आता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें. ये आपकी ऐप जो यहाँ पे आ चुकी हैं. यहाँ पे आपको जो है एक हाइट का ऑप्शन मिल रहा होगा. जी हाँ दोस्तों, अब आपको इस वाले हाइट के ऊपर क्लिक करना है. जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, और इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन हैं आपकी हाइड हो जाएंगी. यहाँ से आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन टोटली हाइड हो गई हैं. अब ये एप्लीकेशन कहाँ पे हैं, इसी एप्लीकेशन के अंदर हैं. जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन शो नहीं कर रही है. अगर किसी को ओपन करना होगा, यानी कि अगर अनहाइड करनी है, तो आपको इसी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, और यहाँ से आप इसको अनहाइड करेंगे तो यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है दोबारा आ जाएंगी, ठीक है. अब पा रहे थे, यदि आप इस एप्लीकेशन को भी लॉक करना चाहते हैं, तो आप इसको भी लॉक कर सकते हैं. यहाँ से जाएं एंड यहाँ से आपको जो है पासवर्ड पे जाना है, और यहाँ से इसकी जो है आप फेस आईडी इनेबल कर दें, ताकि ये एप्लीकेशन भी आपकी फेस आईडी के थ्रू इनेबल होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए. देखते हैं यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड एंड फेस आईडी, तो यहाँ से आप फेस आईडी या फिर पासवर्ड दो मर्जी, यानी कि जो मर्जी आप इनेबल कर दो, उसके बाद ये एप्लीकेशन अनलॉक होगी, फिर आप जाके इसके अंदर हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं. टोटली काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है, इसके अंदर जाएं आप यहाँ पे और एप्लीकेशन को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं. यहाँ से दोबारा से हाइड कर देते हैं, एप्लीकेशन हाइड हो चुकी है, और इस एप्लीकेशन को भी आप लॉक लगा दें विद द यूजिंग ऑफ योर फेस आईडी एंड टच आईडी एंड पासवर्ड. यदि किसी को पता भी चल जाता है कि ये एप्लीकेशन के अंदर आपकी सोशल मीडिया ऐप्स हाइड हैं, तो भी वो एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएगा ये कैप एप्लीकेशन को, क्योंकि ये एप्लीकेशन लॉक होगी आपकी फेस आईडी से एंड पासवर्ड से. तो इसको आप लॉक कर देना, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाकर इस तरीके से पासवर्ड पे जाकर इसको इनेबल कर देना, दैट्स इट. तो इस तरीके से दोस्तों आप सोशल मीडिया सभी ऐप्स को, इंक्लूड इंस्टाग्राम को, सभी को हाइड कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशंस को आईफोन्स में. आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी. यदि आपको कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपने आईफोन्स को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे बता ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में. थैंक यू सो मच गाइस.